देखिए कल फाइनली जवान कैटली मीडिया में इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें उन्होंने काफी सारे अपने अपकमिंग प्लान को रिवील कर दिए हैं। जहां तो सबसे पहले उनका बोलना है, मैं थाला फाइट विजय के जवान में केमियो इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं उनको शाहरुख खान के साथ केमियो नहीं बल्कि दोनों सुपरस्टारों को एक फिल्म में लीड रोल कास्ट करके फिल्म बनाना चाहता हूँ। जी हाँ, एटली भैया एक बड़ी फिल्म बनाने वाले हैं जिसके अंदर थालापटी विजय वर्सेस शाहरुख खान भी हो सकता है, जिसके बारे में एटली ये भी बोले हैं, थालापटी विजय और सारके की फिल्म का कलेक्शन सिर्फ इंडिया में ही 1500 करोड़ से ज्यादा होगा जब वो बनी। बस भाई इंतजार किया जाए कब ये तबाही चीज एटली बनाते हैं इंडियन सिनेमा के अंदर। और हाँ, एटली कुमार ये भी बोल दिए वो जवान का सिक्वल जरूर बनाएंगे, बट अभी नहीं, कुछ साल बाद। वैसे आपको क्या लगता है, थालापटी विजय और एसआरके की फिल्म और जवान 2 में से किसका ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा? अपना विचार हमें कमेंट में जरूर देना। देखिए भाई, एटली उसी मीडिया कॉन्फ्रेंस में यह भी बोल दिए हैं, मैं हाल ही में अल्लू अर्जुन के साथ भी मीटिंग किया हूँ और एक फिल्म का आइडिया भी फाइनल कर लिया हमने और हम जल्दी उसी आइडिया पर आगे काम करेंगे। यानी कि भाई ज्यादा चांस है कि एटली की अगली फिल्म अल्लू अर्जुन के साथ ही हो। बनी को एटली का आइडिया यानी फिल्म का नारेशन पसंद आ गया है, दोनों पक्का कोलाबरेशन करेंगे जल्द ही। शायद पुष्पा 2 का शूटिंग खत्म करके अल्लू अर्जुन एटली की फिल्म पर ही काम करें। देखिए भाई, कल तमिल इंडस्ट्री का भी सीमा अवार्ड का विनर अनाउंसमेंट हो गया है दुबई में। और कमाल की बात यह है, इस साल के सीमा अवार्ड में 3 अवार्ड कमल हसन सर की विक्रम 2 को मिला है। जी हाँ, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध को, फिर बेस्ट डायरेक्टर लोकेश कनकराज को मिला है और कमल हसन सर को बेस्ट सिंगर का अवार्ड, क्योंकि उस फिल्म में पठाला पठाला सॉन्ग को इन्होंने गाया था। बट उसी अवार्ड में लोकेश कनकराज बोल दिए हैं, अब हम जल्दी थालापटी विजय के लियो से अपडेट भेजना चालू कर देंगे, शायद आज भी एक अपडेट आ सकता है, लियो का न्यू सॉन्ग का प्रोमो या कुछ और भेजें लोकेश कनकराज। अब चलिए सीमा अवार्ड के बाकी विनर पर आ जाते हैं। एक्चुअली में बेस्ट फिल्म का अवार्ड विक्रम को नहीं, वो अवार्ड मणिरत्नम की पोनिन सेल्वन पार्ट 1 को दिया गया है। बट उसके बाद सीमा अवार्ड का सबसे मेन अवार्ड यानी बेस्ट एक्टर का वो आर माधवन जीत गए हैं अपनी रॉकेट्री के लिए। और इनको एक और अवार्ड मिला है सीमा में, और वो है बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर की, क्योंकि फिल्म को डायरेक्ट भी इन्होंने किए थे। और आपको बता दो, इनकी रॉकेट्री को लगभग सारे इंडस्ट्री में अवार्ड दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने फिल्म का शूटिंग हर एक लैंग्वेज में किए थे एक साथ साइमल्टेनियसली, जो सच में बड़ी बात है। देखिए भाई, फाइनली टाइगर श्रॉफ की गणपत पार्ट 1 से अपडेट आने वाला है, वो अभी कल 18 सितंबर को ही। ये बात खुद बोल दी है अपने टाइगर भैया ही सोशल मीडिया पर स्टोरी डाल के। वादा करते हैं कल हम जरूर गणपत से अपडेट भेजेंगे, शायद हो सकता है फिल्म का टीजर या पहला पोस्टर या सॉन्ग रिलीज करे टाइगर श्रॉफ। जो भी हो भाई, बट कल का दिन तबाही मचेगी हिंदी सिनेमा में, क्योंकि गणपत इंडिया की पहली फ्यूचरिस्टिक डायस्टोपियन फिल्म है। तो देखते हैं कल क्या भेजते हैं गणपत पार्ट 1 से टाइगर श्रॉफ। कॉप यूनिवर्स के फैंस के लिए काफी अच्छी अपडेट आ गई। एक्चुअली में कल अचानक से सिंघम अगेन का शूटिंग चालू कर दिए हैं रोहित सेठी, और कल ही शूटिंग चालू होने के लिए शूटिंग सेट पर पूजा भी रखा गया था और फिल्म के दोनों लीड हीरो सिम्बा और सिंघम दोनों वहां मौजूद थे। यानी कि भाई सिंघम अगेन में रणबीर सिंह का सिम्बा का केमियो नहीं बल्कि लीड रोल होगा अजय देवगन के साथ। दोनों पुलिस वाले फिल्म में हमें शुरू से दिखेंगे। और मजे की बात यह है, अक्षय कुमार भी कल इस पोस्ट को टैग करके बोल दिए हैं, भैया मैं भी जल्द सिंघम अगेन को ज्वाइन करने वाला हूँ। मतलब कि भाई अक्षय कुमार का सूर्यवंशी का भी इस सिंघम अगेन में अच्छा खासा रोल होने वाला है सिम्बा और सिंघम के साथ। बाकी आपको क्या लगता है, क्या कॉप यूनिवर्स के सिंघम अगेन में दम है 1000 करोड़ कमाने का बॉक्स ऑफिस पर या नहीं? अपना विचार हमें कमेंट में जरूर देना। पठान के डायरेक्टर रैम्बो की बार एक और मूवी को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, और वो भी एक्शन फिल्म है जिसके हीरो हैं सैफ अली खान, और ये फिल्म सिद्धार्थ आनंद ओटीटी पर रिलीज करने के लिए बनाएंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रॉबी ग्रेवल। और इस एक्शन फिल्म में सैफ अली खान टॉप रेस्क्यू मिशन करेंगे। और कमाल की बात यह है, अब इस एक्शन फिल्म का विलेन भी फाइनल हो गया है, जयदीप अहलवत ही विलेन बनेंगे सैफ अली खान के अपोजिट में। और जल्दी सिद्धार्थ आनंद की प्रोडक्शन कंपनी मार्कुलिस के अंदर फिल्म का शूटिंग भी चालू होगी। अब चलिए भाई बॉक्स ऑफिस पर आ जाते हैं।
देखिए शाहरुख खान की जवान ने शनिवार के दिन भी बड़ी अच्छी कलेक्शन कर लिया है बॉक्स ऑफिस पर। फिल्म ने जहां फ्राइडे को 21 करोड़ कलेक्शन किया था, तो वहीं कल शनिवार के दिन जवान ने सीधा 31 करोड़ 10 लाख रुपए कलेक्शन कर लिया पूरे इंडिया में, जिसमें से अकेला हिंदी मार्केट से 30 करोड़ 10 लाख रुपए कमाई हुई फिल्म की, तो बाकी 1 करोड़ 50 लाख रुपए साउथ मार्केट से हुआ कलेक्शन जवान का। और इसी के साथ जवान का भारत में टोटल कलेक्शन अब तक 10 दिन में 440 करोड़ 80 लाख रुपए हो चुका है। और ओवरसीज मिलाकर शाहरुख खान की जवान ने 800 करोड़ 10 लाख रुपए कलेक्शन पूरा कर दिया पूरी दुनिया के मार्केट में। यानी कि भाई 10 दिन में ही जवान 800 करोड़ कलेक्शन पूरा कर दिया है बॉक्स ऑफिस पर, वो भी पठान से पहले। देखिए भाई इस समय तमिल की मार्क एंटोनी फिल्म तबाही मचा दिया है बॉक्स ऑफिस पर। यानी कि भाई मूवी हिट हो गई है, इसका कंटेंट सही में काफी अच्छा और बवाल है, और अब इसी कारण ये साईफाई एक्शन फिल्म मार्क एंटोनी हिंदी में भी पक्का रिलीज होने वाला है 22 सितंबर को सिनेमा के अंदर। वैसे मार्क एंटोनी को रिलीज हुए 2 दिन हो चुका है बॉक्स ऑफिस पर। अब फिल्म ने पहले दिन ओपनिंग किया था 8 करोड़ 35 लाख रुपया से इंडिया में, और दूसरे दिन भी 9 करोड़ कलेक्शन हुआ है मार्क एंटोनी का। और इसी के साथ मार्क एंटोनी का टोटल कलेक्शन भारत के अंदर 2 दिन में 17 करोड़ 35 लाख रुपया हो चुका है। और ओवरसीज मिलाकर फिल्म ने 24-25 करोड़ कलेक्शन कर लिया पूरी दुनिया के मार्केट में, जो सच में बड़ी कलेक्शन है तमिल सिनेमा के हिसाब से। अब चलिए भाई सनी देओल की गदर 2 पर आ जाते हैं। देखिए जहां फ्राइडे के दिन सनी देओल की फिल्म ने 45 लाख रुपए कलेक्शन किया था, तो वहीं कल शनिवार के दिन गदर 2 का कलेक्शन 70 लाख रुपया हुआ है पूरे इंडिया में। और इसके साथ गदर 2 का भारत में टोटल कलेक्शन अब तक 37 दिन में 518 करोड़ 42 लाख रुपया हो चुका है। और ओवरसीज मिलाकर गदर 2 ने 677 करोड़ 80 लाख रुपया कमाई कर लिया पूरी दुनिया के मार्केट में। बाकी भाई इस फिल्मी मैनिया के इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।